जय श्री कृष्ण मेरे दोस्तों, ETA चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने कई तस्वीरों में देखा होगा कि माँ काली की छाती पर अपने पैर रखे हुए हैं। इसके पीछे की एक कथा है, रक्तवीज नामक असुर को वरदान था कि वह कभी नहीं मरेगा, बल्कि उसकी खून की जितने भी बूंदें धरती पर गिरेंगी उससे अनेक रक्तवीज उत्पन्न होंगे। वरदान पाकर रक्तवीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दी। देवताओं ने युद्ध की ठानी और रक्तवीज से लड़ने को तैयार हो गए, लेकिन जब वह सफल नहीं हुए तब माँ काली के पास पहुँचे। माँ काली अपना भीवत्स रूप लेकर देवताओं की मदद करने के लिए युद्ध भूमि में पहुँची। युद्ध के दौरान उन्होंने रक्तबीज की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरने दी, बल्कि अपनी जीभ को बाहर करके उसका पूरा रक्त पी लिया। रक्तबीज तो समाप्त हो गया, लेकिन माँ काली इतनी ज़्यादा क्रोधित हो गई कि उन्होंने कोई भी शांत करने में नाकाम रहा। तब देवताओं ने भोलेनाथ से विनती की कि वह महाकाली को शांत कराएं। भगवान शिव ने कई प्रयास किए पर वह असफल रहे। फिर भोलेनाथ ने माता काली को रोकने के लिए उनके सामने लेट की। जैसे ही गुस्से में माँ काली ने अपने कदम बढ़ाए, उन्होंने एहसास हुआ कि भगवान शिव के ऊपर चरण रख रहे हैं। यह देखकर वह शांत हुई, चरण के पास जाकर लेट गई और माँ काली ने देखा कि वह शिव पर कदम रख रही है। जब काली को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने शर्मिंदगी से अपनी जीभ को बाहर निकाल दिया।